हाय, माय नेम इज समादली और हमारे कोर्स जावा फॉर बिगिनर्स के अभी का टॉपिक है स्टैटिक। स्टैटिक हमारे पास वेरिएबल्स भी होते हैं, स्टैटिक हमारे पास फंक्शंस भी होते हैं, स्टैटिक हमारे पास कोई स्ट्रक्चर भी हो सकता है, जैसे क्लास या कोई एनी एनोनिमस स्ट्रक्चर भी हो सकता है। स्टैटिक का जो लघुवी मायने है वो तो ये है कि स्टैटिक जो है वो किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि साकिन हो, ठहरी हुई हो। तो जब हमारे पास कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन हो जो बहुत सारी ऑब्जेक्ट के लिए सिमिलर रहे या उसका बिहेवियर भी सिमिलर रहे तो हम ऐसी इंफॉर्मेशन को हम बेसिकली स्टैटिक बोलते हैं। सबसे पहले हम स्टैटिक वेरिएबल्स को देख लेते हैं। स्टैटिक वेरिएबल हमारे पास ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनमें तमाम जो ऑब्जेक्ट हैं उनके किसी एक एट्रीब्यूट की वैल्यू सबके लिए सेम रहती है। तो अगर वो वैल्यू अगर किसी एक के लिए चेंज होगी तो वो एक्चुअली सारे ही ऑब्जेक्ट्स के लिए उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेट्स से हम किसी एक स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं, अगर सॉकर हम उसकी बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो खिलाड़ी हैं वो किसी एक टीम से बिलोंग करते हैं। तो जो जितने भी खिलाड़ी हैं वो किसी एक एक्स वाई जी टीम से बिलोंग करते हैं। अगर उस एक्स वाई जी टीम ने कोई गोल किया है तो हम अज्यूम करेंगे कि उस टीम का गोल है, चाहे उसमें से किसी एक खिलाड़ी ने गोल किया हो, हम ये कहेंगे कि उस टीम के खिलाड़ियों के एक एक्स्ट्रा गोल उसके हिस्से में आ गया। तो अगर उसमें से कोई एक भी गोल करेगा तो पूरी टीम का गोल है, अगर दो गोल करेगी तो दो गोल हो जाएंगे। इसी तरह टीम का जो जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो जो चेंज होंगे वो हम तमाम ऑब्जेक्ट के लिए चेंज होंगे, बल्कि उस पूरे कंट्री के लिए चेंज हो रहे होंगे जो भी उसको सपोर्ट कर रहा होगा। अगर वो टीम जीत रही है तो वो जीत भी उस पूरी टीम के लिए होगी, अगर वो हार रही है टीम तो हार भी उस पूरी टीम के लिए होगी। तो इसका मतलब है कि ये उस टीम का जो फ्लैग है या उस टीम का जो नाम है या उस टीम की जो विनिंग और लूज की जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो किसी एक प्लेयर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, बल्कि वो पूरी टीम के लिए सिमिलर ही रहते हैं। अगर लेट्स से उस टीम का जो फ्लैग है अगर मैं चेंज कर देता हूँ तो वो पूरी टीम के लिए चेंज होगा, हर प्लेयर के लिए चेंज होगा। उस टीम की जो किट है जो पहन के खेलते हैं अगर उसको चेंज कर देते हैं तो वो सिर्फ एक खिलाड़ी के लिए चेंज नहीं होगी बल्कि सबके लिए चेंज हो जाएगी। तो ऐसी जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, एट्रीब्यूट होते हैं, उसको फिर हम स्टैटिक बोल देते हैं। कंपाइलर इसको इंटेलिजेंटली ऐसे हैंडल करता है कि वो इसको ऑब्जेक्ट के साथ तो हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये इसको ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट नहीं करता बल्कि क्लास के साथ एसोसिएट करता है। फर्दर इस पर ये कि ये इसमें मेमोरी में उसकी सिर्फ एक ही कॉपी जनरेट करता है। इसकी जब एक कॉपी जनरेट होती है तो जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो सिंगल कॉपी से अपनी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अगर वो सिंगल कॉपी की वैल्यू कहीं से भी चेंज आती है उसके अंदर तो वो तमाम ऑब्जेक्ट के लिए उसकी चेंजेस अफेक्टेड होते हैं। तो इससे हमें दो फायदे हो जाते हैं, एक तो ये कि हमें एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन मिल जाती है जिससे तमाम ऑब्जेक्ट अपनी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि मेमोरी जो है वो ये मेमोरी एफिशिएंट हो जाते हैं। मेमोरी एफिशिएंट से मुराद ये कि अगर हमने 10 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो स्टैटिक वेरिएबल की जो कॉपी क्रिएट होगी वो सिंगल कॉपी क्रिएट होगी। अगर हम स्टैटिक फंक्शंस की बात करें तो स्टैटिक फंक्शंस जो हैं वो बेसिकली ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनके ऊपर उस क्लास के जो डायनेमिक एट्रीब्यूट्स हैं वो अफेक्ट नहीं करते। तो जब डायनेमिक एट्रीब्यूट्स उस क्लास के उन फंक्शंस पे अगर अफेक्ट ना करें, यानी कि अगर सिंपल वर्ड में अगर आपको कहूँ तो जो वो फंक्शन होंगे ऐसे फंक्शन जो उस क्लास के डायनेमिक एट्रीब्यूट या जिनको हम नॉर्मल एट्रीब्यूट कहते हैं डाटा मेम्बर्स, अगर वो उस फंक्शन का पार्ट ना हो, कोई भी एट्रीब्यूट उस फंक्शन का पार्ट ना हो, तो इट्स मीन कि उस क्लास का जो डायनेमिक एट्रीब्यूट है या उस क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं उस फंक्शन के ऊपर असरअंदाज नहीं हो रहे, वो उसको एज ए इनपुट नहीं ले रहा, उसको प्रोसेस नहीं कर रहा। जब प्रोसेस नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि उसके एट्रीब्यूट्स उसकी आउटपुट के ऊपर अफेक्ट नहीं करेंगे। अगर किसी भी
ह्यूमन की या किसी भी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट उसके बिहेवियर के ऊपर असरअंदाज ना हो, तो मैं इसको यही अज्यूम करूँगा कि उस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो उनका बिहेवियर सिमिलर रहेगा, चाहे उनकी प्रॉपर्टी जो मर्जी हो। ठीक है जी, तो अब हम कह सकते हैं कि ऐसे फंक्शन जो जिनका ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट का उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता, तो फिर वो जो ऐसे बिहेवियर्स हैं वो क्लास के साथ एसोसिएटेड है, वो ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट नहीं है। ठीक है जी, तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो फंक्शंस और वेरिएबल्स होते हैं, इनका चूंकि ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप नहीं होता, तो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम ऐसे वेरिएबल और फंक्शन मेमोरी में क्रिएट हो जाते हैं, चाहे इनका कोई इनसे रिलेटेड इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो या ना हो। और हम इनको कॉल भी कर सकते हैं, वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज अपनी रखवा सकते हैं और फंक्शंस को हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। आइए अब इसको थोड़ा सा हम एडिटर के ऊपर भी प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। हम यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम लेट से हमने स्टैटिक रख दिया। यहाँ पे हमारे पास स्टैटिक नाम की क्लास बन गई है, और अगर आप देखें तो हमारे पास जो मेन फंक्शन है वो भी स्टैटिक ही होता है। तो बेसिकली पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इसके साथ इसलिए लिखते हैं कि मेन जो है वो उसका कीवर्ड फंक्शन है, तो जावा जब भी कभी मेन फंक्शंस को सर्च करती है, किसी भी फंक्शन को ट्रिगर करने लगती है, तो वो देखती है कि उसके क्लास के अंदर मेन नाम का फंक्शन है, तो वो ट्रिगर करती है। लेकिन सिर्फ मेन को नहीं देखती, बल्कि वो ये देखती है कि क्या वो फंक्शन स्टैटिक भी है या नहीं है। तो बेसिकली हमने यही देखा है कि क्लास के फंक्शन तब तक एक्सेस नहीं होते जब तक कि उनका ऑब्जेक्ट ना बने, तो मेन का फंक्शन भी किसी क्लास के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जो कि क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए बगैर भी एग्जिस्ट करते हैं? वो ऐसे फंक्शन जिनके शुरू में स्टैटिक लगा होता है। तो इसलिए मेन का फंक्शन जो है उसकी तो हम क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाए बगैर ही इसको कॉल करते हैं। तो बेसिकली वो ये क्या करता है कि जहाँ से प्रोग्राम को स्टार्ट करना होता है उसके फंक्शन को उसने स्टैटिक रखा हुआ है, ताकि जैसे ही वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो मेन का फंक्शन मेमोरी में एग्जिस्ट करता हो और फिर अपने प्रोग्राम को ये यहीं से एग्जीक्यूट करवा लेता है। यहाँ पे हम एक नई क्लास बना लेते हैं और यहाँ पे जाके हमने एक नई क्लास बना ली, जावा क्लास, और इसका नाम लेट से स्टैटिक एक्सपेरिमेंट का नाम रख लेते हैं, और यहाँ पे हमने इंट ए एक बना लिया और एक हम बना लेते हैं, यह इसको लिख लेते हैं डायनामिक, और इसको लिख लेते हैं ठीक है जी। तो ये हमने दो वेरिएबल बना लिए, एक डायनामिक है और एक स्टैटिक है। इसके बाद हम एक फंक्शन भी बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक, और रिटर्न टाइप लेट से हम इसकी कुछ भी रख देते हैं, और इसको वैसे एक नाम दे देते हैं शो का, और इसके अंदर हम एक सिंपल सा डॉट प्रिंट एलन कॉल कर देते हैं और लिख देते हैं कि दिस इज अ स्टैटिक फंक्शन। ठीक है, तो अब हम इसको जो हमारी मेन क्लास है स्टैटिक की, वहाँ आते हैं और यहाँ पे स्टैटिक एक्सपेरिमेंट के नाम से हमने क्लास बनाई है, ऐसी का इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और सॉरी न्यू के कीवर्ड से हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। अब अगर आप देखें तो एसी डॉट, तो मेरे पास डायनामिक वेरिएबल आ रहा है और जो बाकी मैंने स्टैटिक वेरिएबल बनाए थे वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसने इसको एसोसिएट कर दिया है क्लास के साथ। लेकिन अगर मैं ये ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करूँ
और मैं सिंपल लिखूँ स्टैटिक एक्सपेरिमेंट डॉट, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे स्टैटिक वेरिएबल भी अवेलेबल है और शो का फंक्शन भी अवेलेबल है। तो मैं स्टैटिक वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, हेलो वर्ल्ड, सॉरी ये न्यूमेरिक वैल्यू है, वन टू थ्री असाइन कर देता हूँ। इसी तरह अगर मैं स्टैटिक एक्सपेरिमेंट डॉट शो का फंक्शन कॉल करूँगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज़ अ स्टैटिक फंक्शन, जो कि मैंने स्टैटिक फंक्शन में लिखवाया था यहाँ पे उसने लिख दिया है। अच्छा, स्टैटिक जो हमारे पास फंक्शन होंगे उनको हम उसके अंदर हम स्टैटिक वेरिएबल्स को तो एक्सेस कर सकते हैं लेकिन डायनामिक वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। लेट से मैं यहाँ पे डायनामिक वेरिएबल को लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे उसकी स्पेलिंग भी नहीं लिखने दे रहा, मैं इसको ज़बरदस्ती यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ और उसको वैल्यू साइन कर देता हूँ 10। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है और वो एरर ये आ रहा है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल डायनेमिक वेर कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। तो स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं अपने डायनेमिक वेरिएबल को साइन नहीं कर सकता, हाँ डायनेमिक फंक्शंस के अंदर मैं इसको साइन कर सकता हूँ। जैसे ही मैं इसके आगे से स्टैटिक का कीवर्ड हटाऊंगा मेरा ये एरर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं अपने स्टैटिक वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को असाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं इसके साथ अपने स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाऊँगा तो ये इसको प्रिंट करने देगा। ठीक है जी, अगर आप आउटपुट में देखें तो उसने दिस इज़ अ स्टैटिक फंक्शन और उसके आगे उसने स्टैटिक वेरिएबल के अंदर जो मैंने 10 लिखवाया था उसने वो प्रिंट करवा दिया है। यहाँ पे मैंने 10 लिखवाया है फंक्शन के अंदर, लेट से मैं इस 10 को ख़त्म कर देता हूँ, और क्योंकि ये 10 ओवरराइड हो रहा था जो मैंने 1 2 3 यहाँ पे सेव करवाया हुआ, तो इसको दोबारा चला के देखते हैं तो ये 1 2 3 वैल्यू आ जाएगी आपके सामने। ठीक है जी, तो स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक फंक्शंस के लिए मेरे ख्याल आज इतना ही, बाकी के लिए हम फिर नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। Thank you.